तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई फाइनली 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 तो भाई कल मैंने 600 पॉइंट के साथ प्लस किया था और अब भाई कॉन्कर मिल गया। तो भाई बहुत लंबे स्ट्रगल और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क के बाद आखिरकार कॉन्कर मिल ही चुका है। तो भाई देखते हैं भाई कैसा लगा ये। तो भाई आखिरकार कॉन्कर मिल ही चुका है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई रही है। तो भाई गेम प्ले देखो, ये गेम प्ले भाई काफ़ी हार्ड टायर का है और यहाँ पे भाई क्या ही टॉप 10 आता हूँ और ऊपर से क्लिप्स भी होते हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्लस भी होता है। तो भाई तुम पे डिपेंड करता है तुम भाई टॉप 10 कैसे निकालते हो। और मेरे ऊपर क्या भाई, मैं भाई स्टार्टिंग में भाई कैंप ऐसी जगह करता हूँ जहाँ पे किल मिले और प्लस अच्छे खासे प्लस भी हों। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कैंप करता हूँ और एक बंदा जोन के एकदम बाहर से गाड़ी लेके आता है और मैं उसे पेलता हूँ। तो भाई इस बंदे ने सोचा नहीं होगा भाई क्योंकि फोर्थ जोन आ चुका है, मतलब समझ लो फोर्थ जोन ही चल रहा है, समझ लो फिफ्थ जोन डेथ जोन होता है ना वो आने वाला है और मैं इतनी दूर से अभी तक यहीं पे कैंप कर रहा हूँ। तो भाई इस बंदे ने उम्मीद नहीं की होगी यहाँ पे बीच में कोई बंदा हो सकता है। तो भाई इस बंदे को आराम से पेलता हूँ और इसी गाड़ी उठा के निकलता हूँ भाई जोन के लिए। तो भाई यहाँ पे जोन पे जा ही रहा था तभी देखो सामने ड्रॉप होता है। मैं सोचा भाई ड्रॉप के लेवल 3 गियर्स और MK14 मतलब धासुगन ये मिलती है भाई ड्रॉप में। तो भाई ड्रॉप उठाता हूँ, MK14 उठा के भाई मैं सीधा निकल लेता हूँ रोटेशन के लिए। तो भाई देखो अभी फिफ्थ जोन आने वाले, तो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम भाई फोर्थ जोन तो क्या करते हो। भाई फोर्थ जोन पे ही तुम पे डिपेंड करता है और फिफ्थ जोन तो भाई एकदम इजी पीजी होता है। तो भाई अगर तुम पे हल्का सा एडवांटेज है जोन का एडवांटेज, तुमसे भाई चिकन कोई नहीं छीन सकता। तो भाई देखो यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट साइड में बाइक से जा रहा था, मैं जानता हूँ वहाँ पे एक बंदा है इसलिए भाई मैं उसकी तरफ से नहीं जाऊँगा। और फिफ्थ जोन आने वाला है, देखते हैं भाई फिफ्थ जोन का सेंटर कहाँ पे है, वहीं पे जाएंगे भाई। और यहाँ पे देखो भाई क्या ही सेंटर होता है वहाँ पे, भाई मुझे लगा वहाँ पे कोई बंदा नहीं है बट भाई वहाँ पे एक बंदा होता और मैं उसे फाइट भी लेता हूँ। देखो सामने दो घर है ना, वहाँ पे भाई सेंटर है, मैं वहीं पे जाके रुकता हूँ। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे भाई आराम से तुम एक घर में रुको और एनिमी दूसरे घर में होगा, आपस में मतलब अलग अलग रहो, फाइट भी नहीं होगी इसी तरह। बट मैंने यहाँ पे फाइट ली और आराम से उसको किल उठाया। सामने भाई BRDM है और वो बंदा घर में। भाई BRDM लेके भाई तुम घर पे क्यों हो? जाता हूँ और पहले भाई BRDM कंफर्म करता हूँ, BRDM में कोई बंदा तो नहीं है। यहाँ पे BRDM में कोई बंदा नहीं होता और उसके फुटस्टेप मुझे आ जाते हैं ऊपर से। भाई फुल यहाँ पे नेट वेट कर देता हूँ, यहाँ पे तीनों साइड तीन खिड़की होती है, तीनों पे नेट वेट सब कुछ छिड़ दिया। अब वो बंदा कूदता है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है। तो भाई ये बंदा जैसे कूदा ना, मैं ना भाई गन हाथ में पकड़ते पकड़ते थोड़ा लेट हो गया। तो भाई यहाँ पे ड्रॉप शॉट मार के आराम से, भाई ड्रॉप शॉट तुम तभी मारो जब तुम्हें लगे भाई तुमने पूरा हक दिया है और तुमसे भाई अब संभलने नहीं वाला। तो भाई तभी ड्रॉप शॉट मार करो। जैसे भाई यहाँ पे मैं ड्रॉप शॉट मारा, आराम से बंदे को पेल दिया। तो भाई यहाँ पे हील मारता हूँ BRDM बैठ के और सामने गाड़ी जाती है और इसकी और मेरी फाइट एंजॉय करो। ये बंदा भाई BRDM में बैठ जाता है। तो भाई जैसे ही बंदा उतरा ना भाई BRDM से, ये बंदा भाई मेरे एंगल में था, आराम से भाई M4 का फायर दे ही रहा था और उतर गया और भी लग गए इस बंदे को एक आध हेड में, बंदा फिनिश। तो भाई यहाँ पे मैं अगर लोग बंदे को स्पॉट करता हूँ कहीं मुझे कोई दिखे तो मैं फायर लूँ, बट यहाँ पे भाई सारे बंदे कवर में थे और यहाँ से कोई स्पॉट नहीं हो रहा था। तो भाई मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर से स्पॉट करता हूँ बंदों को। तो यहाँ पे भाई पीछे साइड मैं देखता हूँ, पीछे साइड भी बहुत फायर हो रहे हैं और हर जगह से सभी बंदे कहीं ना कहीं से मैं BRDM पे फायर दे रहे हैं। बंदा सामने स्क्वाड हाउस पे के आसपास एक बंदा है वहाँ पे फायर दे रहा है, यहाँ पे पीछे साइड भी दे रहा है, मतलब हर जगह से मैं BRDM बंदे फायर दे रहे थे। और भाई फिफ्थ जोन पे मैं सिर्फ एक काम किया, सेंटर होल्ड किया और भाई जोन में साथ है और देखो भाई बंदे अपने आप फिनिश हो रहे हैं। तभी मैं पीछे साइड एक बंदा भाई पैदल पैदल आ जाता है, अब देखो भाई हमारी फाइट। इस बंदे के पास भाई ग्रोजा होती है तो भाई इस बंदे को आराम से पेल देता हूँ। भाई पता नहीं बंदा क्या कर रहा था भाई, मतलब भाई कुछ फाइट ही नहीं ली भाई, भाई ने तो नहीं एक भी गोली चलाई नहीं कुछ। तभी एक बग्गी भाई मेरे मुंह के बगल से आती है, अब देखो भाई यहाँ पे जोन आ गया है, देखते भाई जोन बंदा कहाँ पे है। भाई जो लास्ट जोन है ओ भाई पूरा धोखा, सामने स्क्वाड हाउस बन गया। अब देखो भाई यहाँ पे जोन स्क्वाड हाउस पे है और बंदे भाई उस बंदे के पास ऑम भी है, मतलब मैं उसे पीक लेके डैमेज दे नहीं सकता। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है। और अभी भाई पांच बंदे बचे हैं मेरे को मिला के,
तो भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बंदे की लोकेशन पता है जो सामने स्क्वाड हाउस पे है, और मैं रैंडम शॉट लेता हूँ, क्या पता कोई कनेक्ट हो जाए, बट यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं होती। और मैं यहाँ से सबसे पहले इसकी पेटी से हाफ ब्रीड उठाता हूँ भाई, भाई हाफ ब्रीड मेरी तो फेवरेट है भाई। तो भाई यहाँ पे मैं सोचता हूँ भाई बीआरडी में बैठेंगे और निकलेंगे, तभी सामने साइड एक स्पॉट हुआ मुझे कुछ स्मोक। और भाई इस बंदे के चक्कर में मैं समझ गया भाई बंदा मेरे पीछे, अगर मैं जोन की तरफ जाऊंगा ये बंदा आराम से मेरे को पीछे फेंक दिया। इस बंदे ने भाई पूरा टाइम खराब कर दिया। अब देखो भाई यहाँ पर मैं लेट हो गया जोन के लिए। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, ये बंदा मेरे पीछे है और दो बंदे की लोकेशन मुझे पता नहीं है। मैं बीआरडीएम से कवर बनाता हूँ और यहाँ पे उतरता हूँ। भाई मैंने पीछे वाले बंदे को सबसे पहले पेला बिना हिल मारे, क्योंकि अगर मैं पीछे वाले बंदे को ना पेलता ना, मेरी एचपी तो लो पहले से थी, बंदा एक गोली तेज करता आराम से पेल देता। और सामने बंदे मैंने इस बंदे के स्नाइपर टावर वाले बंदे से कवर ले लिया था, बट भाई इस बंदे को पता नहीं कहां से हल्का सा एंगल स्पॉट हो गया भाई ने आर्म चिपका दिया। चलो कोई नहीं भाई यहाँ पे काफ़ी सही खेला, #3 पे आया और जोन का साथ नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई। अगर ये बीआरडीएम थोड़ा सा मतलब डैमेज कम होती ना, काफ़ी चांसेस थे मैं यहाँ पे बच जाता, बट कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे प्लस भी हो गए और यहाँ पे top 10 के top 3 पे आया हूँ। तो भाई देखते हैं इस मैच में ये बंदा चिकन निकालता कि सामने वाला निकाल देगा। तो भाई यहाँ पे ये बंदा ने आराम से चिकन निकाल लिया। तो भाई #3 पे विद 5 किल्स देखते हैं कितना प्लस हुआ। पर भाई उससे पहले डेथ रिप्ले देखते हैं कि भाई इस बंदे ने मेरे को कहाँ पे मारा भाई, मैं तो फुल बीआरडीएम कवर में था। चलो देखते हैं भाई कहाँ से मारा इसने। मैं बीआरडीएम देखो सामने आ रही है, मैं भाई अभी जोन से फुल डैमेज हो चुका हूँ, मेरी 50-60 HP खत्म हो गई है। अब ये बंदा भाई देखो सामने मेरे को एक भी गोली नहीं मारता। देखो मैं पीछे वाले बंदे को पेलता हूँ फिर बीआरडीएम फोड़ता हूँ। ओ भाई हील मारते मारते बंदे ने हल्का सा मैं पैर स्पॉट हो गया और आराम से पेल दिया भाई। अगर ये मेरे को ना पेलता ना काफ़ी मेरे पास फर्स्ट एड भी थी, आराम से भाई मैं हील बेटर करता और जीत भी जाता। बट कोई नहीं भाई चलो यहाँ पे इस बंदे ने आराम से लपेट लिया और यहाँ पे ये बंदा चिकन निकाल लिया। तो भाई इस मैच में मेरे 26+ हो जाते हैं। और भाई तुमने समझ ही चुका होगा जो मैंने स्टार्टिंग में काउंटर दिखाया था वो थोड़ा सा मजाक ही समझ लो, एफ फुल का था। तो भाई ये सिर्फ एक वीडियो फन के लिए थी जो स्टार्टिंग में इंट्रो था, क्योंकि भाई मैंने किसी एक यूट्यूबर का कॉपी पेस्ट कर दिया भाई और मैंने सोचा एक फर्स्ट एपिसोड में कर भी जा सकते हैं भाई, थोड़ा सा हल्का सा मजाक ही समझ लो इसे। तो भाई मजाक तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ। और ये इस मैच में 26+ होता है तो एक कॉन्कर की क्या बात है, अभी नहीं तो नेक्स्ट वीक जरूर कन्फर्म है, नेक्स्ट वीक तो कन्फर्म ही कन्फर्म है कॉन्कर होगा तो होगा। तो भाई ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट करके बताओ। तो भाई इस वीडियो में नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ड्रॉप लगेगा।